नमस्कार। आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के दूसरे पाठ दुर्बुद्धि ही विनश्यति के विषय में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत पाठ प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र से लिया गया है, जिसके लेखक विष्णु शर्मा है। इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार असमय बोलना मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। कई बार मौन रहने से भी कार्य सिद्ध होते हैं। आइए पढ़ते हैं पाठ दुर्बुद्धि ही विनश्यति। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। अस्ति है मगध देशे, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम सरह, फुल्लोत्पल नामक सरह यानी तालाब। मगध देश में एक फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। तत्र वहां संकट विकटऊ, संकट और विकट ये दो नाम हैं, दोनों नामों को जोड़ करके राम लक्ष्मण इस तरह से इन दोनों को मिलाकर लिखा गया है। द्विवचन का रूप है ये, संकट और विकट। हंसऊ दो हंस निवसतः रहते हैं। कंबुग्रीव नाम कह तयोह मित्रम। कंबुग्रीव नाम का उन दोनों का मित्र, किन दोनों का, उन दोनों हंसों का, संकट और विकट नाम के दो हंसों का मित्र कंबुग्रीव नामक एक कूर्म, एक यानी एक कूर्म है यानी कछुआ। अपि भी तत्रैव प्रतिवस्ति स्म, तत्रैव यानी वहीं, प्रतिवस्ति स्म रहता था। तालाब में संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं और उनका मित्र कंबुग्रीव नाम का कछुआ भी वहीं रहता है। अथ एकदा, अब एक बार धीवरा तत्र आगच्छन्। धीवरा यानी मछुआरे, तत्र वहां तालाब के पास आगच्छन आए। ते अकथयन, वे मछुआरे बोले, वयम श्वह मत्स्य कूर्मादीन। वयम यानी हम सब, श्वह कल मत्स्य कूर्मादीन, मत्स्य यानी मछली, कूर्म यानी कछुआ, आदीन आदि को यानी इस तालाब में रहने वाले जलीय जीवों को, मछली कछुए आदि को मारयिष्यामः, मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर कूर्मः अवदत्, कूर्मः यानी कछुआ, अवदत यानी बोला, मित्रे हे मित्रों, ये द्विवचन रूप है। कछुआ अपने दोनों मित्रों को संबोधित करते हुए कहता है, हे मित्रे यानी हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। किम यानी क्या, युवाभ्याम तुम दोनों के द्वारा, धीवराणाम मछुआरों की वार्ता यानी बात, श्रुता यानी सुनी गई, क्या आप दोनों के द्वारा मछुआरों की बात सुनी गई, अर्थात तुम दोनों ने क्या मछुआरों की बात सुनी। अधुना किम अहम करोमी, अधुना यानी अब, किम क्या, अहम मैं, करोमी यानी करूं, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। प्रातः यानी सुबह, यद मणि जो, उचितम उचित हो, तत् वह कर्तव्यम कीजिए, सुबह वही कीजिए जो उचित हो। कूर्मा अवदत, कछुआ बोला, मैवम, ये शब्द दो शब्दों का मेल है, मा धन एवं, मा यानी नहीं, एवं यानी इस प्रकार नहीं यानी ऐसा मत कही। तद यथा हम अन्यम हृदम गच्छामि, तब मैं अन्यम यानी दूसरे, हृदम यानी तालाब को, गच्छामि यानी जाता हूँ, तो मैं दूसरे तालाब में चला जाता हूँ। तथा कुरु तुम, ऐसा करते हैं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवा, हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अन्यत्र यानी दूसरी जगह, गंतुम यानी जाना, इच्छामि चाहता हूँ, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से कहीं और जाना चाहता हूँ। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ और यथासंभव उनके संधि विच्छेद दिए गए हैं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, अत्र का उपाय है, अत्र यानी यहाँ, का मानी कौन, उपाय यानी उपाय, तो इसमें क्या उपाय है, हम क्या उपाय कर सकते हैं। कच्छपह वदती, कछुआ बोलता है, युवाम तुम दोनों, काष्ठ दंडम एकम, एकम यानी एक, काष्ठ दंडम यानी लकड़ी का दंड यानी डंडा, तुम एक डंडे को चंचुआ चोंच से धारयताम पकड़ो,
तुम दोनों एक डंडे को अपनी चोंच से पकड़ो। अहम मैं काष्ठ दंड मध्य उस डंडे के बीच में अवलंब्य लटक कर युवयोः पक्ष बलेन तुम दोनों के पंखों के बल से ताकत से सुखेन गमिष्यामि, सुखेन यानी आराम से सुख से गमिष्यामि जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, हंस बोले संभवति एषः उपायः, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायोऽपि वर्तते। अत्र यानी यहाँ एकः एक अपायः, अपायः यानी हानि, अपि भी वर्तते है। जो आपने उपाय बताया है कि एक डंडे को हम दो हंस पकड़ लें और उसके बीच में आप लटक करके चल पड़ोगे, ये उपाय सही है, लेकिन इसमें एक हानि है। आवाभ्याम नियमानम, आवाभ्याम यानी हम दोनों के द्वारा नियमानम ले जाते हुए त्वाम तुम्हें अवलोक्य देखकर, त्वाम अवलोक्य तुम्हें देखकर जनाहा यानी लोग किंचित वदिष्यन्ति एव, किंचित यानी कुछ वदिष्यन्ति बोलेंगे एव यानी ही, हमारे द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देख करके लोग जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे। यदि त्वम उत्तरम, यदि तुम उत्तरम दास्यसी उत्तर दोगे तदा तव मरणम निश्चितम, तो तव यानी तुम्हारा, मरणम यानी मरना, निश्चितम यानी निश्चित है। इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अतः त्वम अत्रैव वस, अतः त्वम यानी तुम, अत्रैव यानी यहीं इसी तालाब में, वस यानी रहो। तत् श्रुत्वा यह सुनकर क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, क्रोधित कछुआ बोला किम अहम मूर्खः, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूं। उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, अगर हमें देखकर लोग कुछ बोलेंगे तो मैं उनकी बात का उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि, अतः मैं जैसा कहता हूं, तथा युवाम कुरुतम, वैसा तुम दोनों करो। इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ और यथासंभव उनका संधि विच्छेद। एवं काष्ठ दंडे लंब मानम कूर्मम पौराः अपश्यन्, एवं यानी इस प्रकार काष्ठ दंडे उस डंडे पर लंब मानम लटकते हुए कूर्मम कछुए को पौराः अपश्यन्, पौराः यानी नागरिक या ग्वाले, अपश्यन् देखा, लकड़ी पर उस डंडे पर लटकते हुए कछुए को नागरिकों ने देखा। पौराः पुर यानी नगर के रहने वाले, पौर और उसका बहुवचन रूप बनेगा पौराः, जिसका अर्थ हुआ नागरिक, लेकिन यहाँ इस चित्र में जो नागरिक दिखाए गए हैं वो गोपालक अर्थात ग्वाले दिखाए गए हैं, तो इस शब्द का अर्थ हम नागरिक या ग्वाले दोनों ले सकते हैं। अपश्यन् यानी देखा, अर्थात डंडे से लटकते हुए उस कछुए को नागरिकों ने या ग्वालों ने देखा। पश्चाद अधावन, वे पश्चाद यानी पीछे, अधावन यानी दौड़े, अवदंच और बोले हन हो अरे महदाश्चर्यम, ये शब्द दो शब्दों का मेल है, महत धन आश्चर्यम कि बहुत बड़ा आश्चर्य है, वो लोग अचंभे से बोले अरे बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह, हंसों के साथ, कूर्मो अपि उड्यते, कूर्मोपि कूर्मः धन अपि यानी कछुआ भी उड्यते उड़ रहा है। कश्चित वदति कोई बोला यद्यम, ये दो शब्दों का मेल है, यदि अयम यदि यह कूर्मः यानी कछुआ, कथम अपि निपतति, कथम अपि यानी किसी भी प्रकार से निपतति गिरता है, तदा तो अत्रैव पक्त्वा, अत्रैव यानी यही, पक्त्वा यानी पकाकर खादिष्यामि खाऊंगा, अगर ये कछुआ किसी भी तरह से यहां गिर जाता है तो मैं इसे यहीं पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोला सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरस तीरे यानी तालाब के किनारे, दग्ध्वा जलाकर अर्थात भून कर खादिष्यामि खाऊंगा। अन्यः अकथयत्, अन्य दूसरा बोला गृहम नीत्वा घर ले जाकर बक्षयिष्यामि खाऊंगा,
एक बोला, अगर ये गिर जाता है तो यहीं पकाकर खाऊंगा। दूसरा बोला, तालाब के किनारे भूनकर खाऊंगा। और तीसरा बोला, घर ले जाकर खाऊंगा। इति तेषां तद्वचनं श्रुत्वा, उन लोगों के वे वचन यानी बातें श्रुत्वा सुनकर कूर्मः क्रुद्धः जातः, वो कछुआ क्रोधित हो गया। इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्द मित्राभ्याम दत्तम वचनम, मित्रों द्वारा दत्तम यानी दिए गए वचनम वचन को विस्मृत्य भूलकर। सह अवदत्त, वह बोला, वह कौन? कछुआ। यूयम भस्म खादत्त, यूयम यानी तुम सब। ये तुम सब किसके लिए आया है? उन ग्वालों के लिए जो कछुए के बारे में खाने की बातें कह रहे थे। उनको कहता है कछुआ, यूयम यानी तुम सब भस्म खादत्त, राख खाओ। तत्क्षणमेव यानी उसी क्षण ही कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, कूर्मः यानी कछुआ, दंडात यानी उस डंडे से भूमौ धरती पर, पतितः यानी गिर गया। पौरैः उन नागरिकों के द्वारा, उन ग्वालों के द्वारा, सह मारितः वह मारा गया। अतएव उक्तम, अतः कहा गया है, सुहृदां हितकामानां वाक्यं यो नाभिनन्दति सकूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदां हितकामानां वाक्यं यो नाभिनन्दति सकूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। इसको सरलता से समझने के लिए इसका अन्वय यहाँ दिया गया है। यो यानी जो हित कामानाम सुरिधाम वाक्यम नाभिनंदति, यानी जो व्यक्ति हित कामानाम भला चाहने वालों की, सुरिधाम मित्रों की, वाक्यम यानी वाक्य यानी बात, नाभिनंदति न धन अभिनंदति नहीं स्वीकार करता है, अर्थात नहीं मानता है। जो व्यक्ति अपना भला चाहने वाले मित्रों की बात नहीं मानता है, सह वह व्यक्ति दुर्बुद्धि कूर्म इव, दुष्ट बुद्धि यानी बुरी बुद्धि वाले कछुए की तरह, काष्ठात भ्रष्टो उस डंडे से भ्रष्ट अलग होकर, विनश्यति नष्ट होता है। अर्थात जो अपने हित चाहने वाले मित्रों की बात नहीं मानता, वह व्यक्ति उस कछुए की तरह से नष्ट हो जाता है। अतः हमें अपने हित चाहने वाले मित्रों की बात माननी चाहिए और असमय पर कभी भी नहीं बोलना चाहिए। कई बार मौन रहने से भी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। फुल्लोत्पलम, कम्बुग्रीवः, उक्तवान, भवद्भ्याम, अवलम्ब्य, आवाभ्याम, हृदम्, उड्डीयते, पक्त्वा, बक्षयिष्यामि, सुरिदाम, भ्रष्टः। अगला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। कूर्मस्य किम नाम आसीत, कूर्मस्य यानी कछुए का क्या नाम था? उत्तर है, कम्बुग्रीवः, कम्बुग्रीव। सरस्तीरे के आगच्छन, तालाब के किनारे कौन आए? उत्तर है, धीवराः यानी मछुआरे। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ किस रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता है? उत्तर है, आकाश मार्गेण यानी आकाश के रास्ते से। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े? उत्तर है, पौराहा नागरिक या ग्वाले। अगला प्रश्न है, अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत, नीचे लिखे ये वाक्य किसने किससे कहे ये बताना है। उदाहरण दिया है, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो उचित हो वह कीजिए। ये किसने कहा? हंसौ, दो हंसों ने कूर्मम प्रति यानी कछुए को। पहला है, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूं। किसने कहा? कूर्मः हंसौ प्रति, कछुए ने हंसों से। अत्र का उपाय, यहां क्या उपाय है? किसने कहा? हंसौ कूर्मम प्रति, उन दो हंसों ने कछुए से। अगला है,
अहम उत्तरम न दास्यामी, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किसने कहा? कूर्मह, किससे? हंसौ प्रति, कछुए ने हंसों से। यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ। किसने कहा? कूर्मह पौरान प्रति, कछुए ने ग्वालों को कहा। अगला प्रश्न है, मंजुषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत्। इस पेटिका से उचित पद चुन करके इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। यह हितकामानां सुहृदां वाक्यम न अभिनंदति, जो भला चाहने वाले मित्रों की बात नहीं मानता। एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, एक कछुआ भी वहां रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। वयम गृहम नीत्वा कूर्मम भक्षयिष्यामः, हम घर ले जाकर कछुए को खाएंगे। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कछपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता है। कछपः अन्यम हृदम गंतुम इच्छति, कछुआ दूसरे तालाब को जाना चाहता है। कछपः कम उपायम वदति, कछुए ने क्या उपाय बताया। कछपः हंसौ उपायम वदति, कछुआ हंसों से उपाय बताता है। युवाम एकम काष्ठ दंडम, तुम दोनों एक डंडे को चंचुआ धारयताम, चोंच से पकड़ो। अहम काष्ठ दंड मध्य, मैं डंडे के बीच में अवलंब्य लटक कर युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, तुम दोनों के पंखों के बल से सुखेन गमिष्यामि, यानी आराम से जाऊंगा। लंब मानम कूर्मम दृष्ट्वा, लटकते हुए कछुए को देखकर पौराः किम अवदन, नागरिक या ग्वाले क्या बोले। लंब मानम कूर्मम दृष्ट्वा, लटकते हुए कछुए को देखकर पौराः अवदन, नागरिक बोले। हन हो, अरे महद आश्चर्यम, बड़े आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह, दो हंसों के साथ, कूर्मोपि उड्डीयते, कछुआ भी उड़ रहा है। कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कछुआ मित्रों द्वारा दिए गए उस वचन को भूल करके किम अवदत्, यानी क्या बोला। कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य, कछुआ मित्रों के वचन को भूल कर अवदत्, बोला। यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ। अगला प्रश्न है, घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, इस कहानी में कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी बाद में, उनको सही क्रम से लिखना है। ये सही क्रम में लिखे हुए वाक्य हैं। कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, कछुआ और दो हंस एक तालाब में रहते थे। केचित् धीवराः सरस तीरे आगच्छन्, कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए। वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारयिष्यामः, हम कल मछली कछुए आदि को मारेंगे। इति धीवरा अकथयन, ऐसा मछुआरों ने कहा। कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म, कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से अगच्छत, यानी गया। लंब मानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराः अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर नागरिक दौड़े। पौराः अकथयन, नागरिकों ने कहा। वयम पतितम कूर्मम खादिष्यामः, हम गिरे हुए कछुए को खाएंगे। कूर्मः आकाशात् पतितः पौरै मारितश्च, कछुआ आकाश से गिर गया और पौरै ही यानी नागरिकों या ग्वालों द्वारा मारा गया। अगला प्रश्न है, मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। इस पेटिका से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थान भरिए। ये रिक्त स्थान भरने के बाद ये कथा। एकस्य वृक्षस्य शाखासु, एक वृक्ष की शाखाओं में
अनेके काकाः वसन्ति स्म, अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे, उस वृक्ष की यानी उस पेड़ के कोटर में एकः सर्पः अपि अवसत, एक सांप भी रहता था। काकानाम अनुपस्थितौ, कौओं की अनुपस्थिति में यानी जब कौवे वहां नहीं होते थे तब, सर्पः काकानाम शिशून खादति स्म, वो सांप कौओं के बच्चों को खाता था। काकाः दुखिता आसन, कौवे दुखी थे। तेषु उनमें उन कौओं में एकः वृद्धः काकः, एक वृद्ध यानी बूढ़ा कौआ, उपायम अचिंतयत, बूढ़े कौवे ने उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे उस पेड़ के पास जलाशय आसीत, एक तालाब था। तत्र एका राजकुमारी, वहां एक राजकुमारी, स्नातुम नहाने के लिए, जलाशयम आगच्छति स्म, उस तालाब में आती थी। शिलायाम स्थितम, शिला यानी पत्थर, पत्थर पर रखे हुए, तस्याह आभरणम, उस राजकुमारी के आभरणम यानी गहने को, आभूषण को, आदाय लाकर एकह काकर वृक्षस्य ऊपरी अस्थापयत, एक कौवे ने पेड़ के ऊपर रख दिया। राजसेवकः काकम अनुसृत्य, राजसेवक उस कौवे का अनुसरण करते हुए वृक्षस्य समीपम अगच्छन, पेड़ के नजदीक आ गए। तत्र वहां ते तम सर्पम च, और वहां आकर उन्होंने उस सांप को अमारयन मार डाला। अतएवोक्तम, अतः कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से सब कुछ सिद्ध होता है, यानी उपाय से हर कार्य सिद्ध होता है। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य लिखकर पूछें। धन्यवाद।